जम्मू एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया, चिनाब नदी पर पुल बनाया, जम्मू पुंछ हाईवे को फोर लेन का करने का काम किया, पुंछ तक रेलवे को पहुंचाने का काम शुरू किया, पुंछ और रजौरी जिले में नए पर्यटक सेंटर बनाए, रजौरी के अंदर पासपोर्ट सेंटर बनाया, एलओसी के निवासियों के लिए 17,000 बंकर बनाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं अभी हेलीकॉप्टर में बात कर रहा था मेरे साथियों से कि पाकिस्तान के गोले और मोर्टारों से न जाने कितने बच्चे, कितनी निर्दोष महिलाओं की जान गई है एक कांग्रेस सरकार की बहरे कानों पर कि रजौरी और जम्मू के जवानों और महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने बंकर बनाना शुरू किया, जुलाई के पहले बंकर का लोकार्पण भी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करने वाले हैं। जम्मू के लिए अनेक शैक्षिक संस्थाएं लाने का काम किया, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमसी, फूड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और एम्स की स्थापना भी जम्मू कश्मीर के अंदर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू में, कठुआ में, रजौरी में, डोडा में, ये 5 कॉलेजों में 500 विद्यार्थी, मेरे जम्मू के युवा युवती डॉक्टर बनकर हर साल इस क्षेत्र की मेडिकल सेवा करेंगे। सेवा आजादी के बाद 70 साल में 5 मेडिकल नहीं खुले, हमने 5 साल के अंदर 5 मेडिकल खोलने का काम किया, 10 नए नर्सिंग हॉस्टल कॉलेज खोलने का काम किया, रावी नदी पर अटल सेतु निर्माण, कीड़िया गंडियाल पुलों का निर्माण, नई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत करी, चेनानी नासिरा सुरंग, कछुआ गति से मौनी बाबा की सरकार में चलती थी, नरेंद्र मोदी ने द्रुत गति से उसे पूरी कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कठुआ जिले में शाहपुर कंडी और उन सिंचाई परियोजनाओं के तहत 72 लाख हेक्टर जमीन को अब सिंचाई का पानी मिलेगा, वो दिन दूर नहीं है 72 लाख हेक्टर। आजादी के बाद पहली बार विस्थापित परिवारों के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के 26,319 परिवारों को 2,000 करोड़ रुपया दिया, 47 के विस्थापित, 65 और 71 के विस्थापित को 10,000 परिवारों के लिए भी पैकेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए भी एससी की 90% से आजाद आबादी को जल्द से जल्द उसका मुआवजा पूरा भी कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय नदी कायाकल्प योजना के हेठक देविका नदी को 200 करोड़ रुपया की लागत से साफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नदी मोदी सरकार ने किया है। रणजीत सागर, मानसागर, हुल्ला और सुरिनसर जिलों का पुनरोद्धार कर यहाँ पर्यटन का बढ़ावा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। लद्दाख के अंदर 5 नए ट्रैकिंग रूट खोलना, लद्दाख के अंदर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का लॉन्चिंग करना, ढेर सारे लद्दाख के अंदर भी हमने कार्यक्रम किए और ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट के अंदर भी बदलाव करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 70 साल तक एएनसी, कांग्रेस और पीडीपी ये पूरे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करते रहे, पहली बार माँ जैसा व्यवहार नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास है, इस
इसके लिए हम आगे बढ़े। और मित्रों, सबसे पहला काम किया है, सबसे बड़ा काम किया है, ये रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की नगरों। आप मुझे बताओ, भारत के नागरिक को यहां न आने देने वाली है पीडीपी, रोहिंग्या का स्वागत करती है, रोहिंग्याओं को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? इसके लिए हम एनआरसी लेकर आने वाले हैं। एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, अगले 5 साल के पहले देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम उठाती है। मित्रों, एक घुसपैठिए देश को दीमक की तरह चाट। अपने जम्मू क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं? मैं आज इस पवित्र भूमि पर आपको वादा कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है, जम्मू की डेमोग्राफी को हम बदलने नहीं देंगे, एक घुसपैठियों को घुस नहीं देंगे। और मित्रों, अभी अभी जिस प्रकार के भाषण हो रहे हैं, घाटी में चुनाव चल रहा है, एनसी का एक नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। भैया, तुम कहां रह रहे हो, किस देश का खाना खाते हो?